हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौर है। स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछले कुछ दिनों से हमारे होंडा लवर्स, जितने भी होंडा के फैन हैं, नाराज चल रहे थे। और वजह यह थी कि होंडा ना तो अपनी कोई नई बाइक लॉन्च कर रहा, जो बाइक अभी आ रही है, जो स्कूटर्स आ रहे हैं, उनमें भी कोई नई अपडेट नहीं दे रहा है। तो काफ़ी लोग नाराज थे इस चीज़ से और डिमांड कर रहे थे कि यार एसपी का नया मॉडल आना चाहिए, ब्लूटूथ वगैरह आना चाहिए, एक्टिवा में भी अपडेट होने चाहिए। तो भाई फाइनली होंडा ने आपकी सुन ली है और इसी महीने आपके लिए काफी बड़ा अपडेट होंडा कंपनी करने वाली है। तो कौन सी क्या बाइक में अपडेट होने वाला है, क्या अपडेट रहेगा और कब ये होने वाला है, लॉन्च कब होगा, लॉन्च डेट क्या है, आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ लॉन्च डेट के बारे में। काफी लोग बोलते हैं भैया लॉन्च डेट आप काफी लेट बताते हो, वीडियो के एंड में बताते हो, तो आज पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भैया लॉन्च होने वाला है 23 जनवरी 2023 को। 23 जनवरी को होंडा कंपनी अपनी बाइक का कुछ नया वर्जन, कुछ नया वेरिएंट लॉन्च करने वाली है और उसको नाम दिया है एच स्मार्ट। टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है होंडा SM25 लॉन्च हो जाए या फिर एक्टिवा 7G। इसके बारे में आगे वीडियो में अपन बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। तो 23 तारीख को लॉन्च होगी। एक बाइक भी लॉन्च हो सकती है, दो बाइक भी लॉन्च हो सकती है या फिर तीन बाइक भी लॉन्च हो सकती है। अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, बस इतना अपडेट निकल गया है होंडा ऑफिशियल्स की तरफ से कि 23 जनवरी को उनकी तरफ से एक लॉन्च इवेंट रखा गया है। और यहाँ पर जो फोटो शेयर की गई है इसमें एच स्मार्ट लिखा हुआ है, मतलब कि कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली है होंडा कंपनी। और इसके अलावा यहाँ पर AI भी लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार कुछ तो यार बड़ा करी होंडा। हो सकता है कि जो अब नया अपडेट आने वाला है उसमें अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, ऐसे शानदार फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो यार मेरे को तो काफ़ी उम्मीद है होंडा कंपनी से, क्योंकि जो होंडा कंपनी है ना, अपडेट थोड़ा कम देती है, अपडेट थोड़ा लेट देती है, लेकिन जो भी इनका अपडेट आता है ना काफ़ी सॉलिड होता है। जैसे कि यार साइन को अपडेट करके इन्होंने SM25 बना दिया और काफ़ी शानदार अपडेट था ये। और यहाँ पे 125cc के अंदर ना गेम चेंजर था। सबसे पहले LED हेडलाइट और जो मीटर कंट्रोल था फुली डिजिटल होंडा कंपनी ने दिया था। तो बस अपने को 23 तारीख का वेट करना है। 23 तारीख को होंडा कंपनी अपने लिए कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आने वाली है। अब ये बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, कौन सी बाइक या फिर कौन सा नया वेरिएंट लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पर दो जो प्रोडक्ट हैं सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज उन्हीं की है, उम्मीद उन्हीं से है। पहला जो मॉडल है वो है एक्टिवा 7G। एक्टिवा को पिछले काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया गया है और इसमें कोई भी यहाँ पर नया वेरियंट वगैरह लॉन्च नहीं किया है। तो हो सकता है एक्टिवा का नया मॉडल एक्टिवा 7G लॉन्च कर दिया जाए और इसके अंदर अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे शानदार फीचर देखने को मिल जाए। क्योंकि यार मार्केट में अगर आप देखोगे तो सारे स्कूटर्स को अपडेट किया जा रहा है और इसके बाद भी ना एक्टिवा की सेल्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन होंडा कंपनी एक्टिवा को अपडेट करेगी ताकि इनकी जो सेल है ना और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर जो पहली जो उम्मीद है लॉन्च होने की वो होने वाली है एक्टिवा 7G। और जो इसमें बदलाव रहेंगे कॉस्मेटिक के थोड़े बहुत भी हो सकते हैं, जैसे कि यार जो ग्राफिक्स वगैरह हो गए वो थोड़े चेंज कर दिए जाए, लेकिन जो मेन इसमें बदलाव रहेगा, मेन अपडेट रहेगा, वो रहेगा टेक्नोलॉजी का। एच स्मार्ट वाली टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी एक्टिवा 7G के नए मॉडल में। और इसके अलावा जो मीटर और कंसोल वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से अपडेट किया जाएगा और नए फीचर आपको एक्टिवा में अब देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा दावेदार माना जा रहा है इस अपडेट के लिए, वह सबकी फेवरेट अपनी होंडा SP125। SP125 को जब से लॉन्च किया ना, 2-3 साल पहले जब इसको लॉन्च किया तब से लेकर अभी तक इस बाइक में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, फिर भी ये जो बाइक है ना सेल के अंदर ना रिकॉर्ड तोड़ रही है। इंडिया में सेल के मामले में यार ये दूसरे तीसरे नंबर पर अब आने लग गई है, लेकिन होंडा कंपनी भाई इससे भी खुश नहीं है और इस बाइक को और ज़्यादा एडवांस कर रही है। क्योंकि रेडर का भी नया मॉडल आ चुका है, उसमें TFT स्किन वगैरह दे दी गई है जो कि यार काफ़ी अच्छी है। और जो रिस्पॉन्स है ना इस बाइक का काफ़ी शानदार है। यहाँ पर 125cc के सेगमेंट में ना अभी बेस्ट बाइक बनी हुई है रेडर 125 और इसके जो फीचर्स है ना इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। बात करें यहाँ पे पब्लिक की तो पब्लिक भी यार अब SP के मुकाबले कहीं ना कहीं रेडर को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करिए, क्योंकि लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, मीटर कंसोल में इतने शानदार फीचर मिल जाते हैं, बस थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन यार आजकल के लोगों को थोड़ा सा प्राइस देना सही लगता है, मतलब थोड़ा प्राइस दे सकते हैं लेकिन फीचर पूरे चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा अपडेट हो सकता है वो होगा SP125 में। SP125 में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ना इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि पहले साइन में एनालॉग मीटर था, फिर इसको डिजिटल कर दिया SP में। तो अभी थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी होंडा कंपनी इसको। इसमें आपको ब्लूटूथ वाला, GPS नेविगेशन वाला नया मीटर कंसोल देखने को मिल सकता है। जो एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसको अपडेट किया जाएगा और काफ़ी सारे नए फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। यार अभी तो अपने को वेट करना 23 जनवरी का। 23 जनवरी को ही पता चलेगा कि क्या अपडेट होने वाला है, कौन सी नई बाइक लॉन्च होगी,
किस बाइक को अपडेट किया जाएगा या फिर नहीं, अभी तो सिर्फ अपन उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो एक्चुअल चीज़ है वो अपने को 23 तारीख को पता चलेगी। मैं तो यार चाहता हूँ थोड़ा सा कि SP को अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि यार इस बाइक को काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है और काफ़ी सेल हो रही है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन अपडेट नहीं आ रहा ना, इसकी वजह से होंडा कंपनी से काफ़ी लोग नाराज़ भी है। तो मैं तो चाहता हूँ यार SP को अपडेट किया जाए, और अगर अच्छा अपडेट किया जाएगा तो अपन यार एक नया वाला मॉडल भी परचेस कर लेंगे। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से जो 23 तारीख को मॉडल लॉन्च किया जाएगा, किस बाइक का नया मॉडल लॉन्च हो सकता है, SP का या फिर एक्टिवा का, तो आप भी अपना सजेशन कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर नया मॉडल लॉन्च होता है तो कौन कौन परचेस करेगा भाई, ये भी कमेंट करके बता दो। तो बस ये था छोटा सा वीडियो, छोटा सा अपडेट आपको बताना था। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, डिटेल्स वहाँ पे आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।